युवा नेता भरत चतुर्वेदी ने कहा, आपको मीडिया के माध्यम से ज्ञात हुआ होगा कि पटवारी परीक्षा परिणामों में बृहद स्तर पर हेराफेरी एवं भ्रष्टाचार की खबरें मीडिया एवं सोशल मीडिया के माध्यम से प्रकाश में आ रही हैं। पटवारी भर्ती परीक्षा ग्वालियर के NRI कॉलेज में आयोजित परीक्षा में प्रवणीय सूची में शीर्ष 7 स्थानों पर जिनका चयन हुआ है उनका अनुक्रमांक क्रमानुसार एक ही श्रृंखला में पाया गया है। कुल चयनित परीक्षार्थी की संख्या 114 है, जिनमें अधिकांश परीक्षार्थियों ने अपने हस्ताक्षर व कलन हिंदी भाषा में दर्ज किए थे, पर किंतु उन सभी ने अंग्रेजी विषय में 25-25 अंक अर्जित किए हैं। पटवारी भर्ती परिणामों की प्रावीण्य सूची में शामिल 10 में से शीर्ष 10 स्थानों पर चयनित परीक्षार्थियों ने जिस स्थान पर परीक्षा दी है वह सेंटर BJP के भिंड विधायक का संस्थान है, जो कि वर्तमान में चालू हालत में नहीं है। यह भी एक विचारणीय बिंदु होकर जांच का विषय है। समूह 2 उपसमूह 4 पटवारी भर्ती परीक्षा परिणामों की उच्च स्तरीय गहन जांच CBI के देखरेख में की जाए। मामला तो पूरा देश ही जानता है। भिंड चंबल संभाग का नाम पिछले 2 दिन में बहुत दूषित हुआ, बड़ा नेगेटिव, जो हमारी एक नेगेटिव इमेज सदियों से चली आई थी, और जो हाल फिलहाल में हमारे नौजवान भाई UPSC की परीक्षा, IAS एग्ज़ाम, भले ही वो फौज में भर्ती हो या सभी डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम्स हो या खेल का वो क्षेत्र हो, उसमें अपनी जीवटता दिखाकर जो शुद्ध कर रहे थे वो आज दोबारा कलंकित हुए। क्या मांग है अभी आप? CBI जांच की मांग, जो मांग सिर्फ भिंड में नहीं है, जो मांग प्रदेश स्तर पर उठ रही है। कितने युवाओं की टोली के साथ आपने ज्ञापन दिया है? अब मेरी कोई गिनती तो ऐसी नहीं, पर प्रदेश के मुख्यमंत्री के सभी लाडले भांजे भांजी तो थे वहाँ, हमारे भिंड जिले के तो थे। जिला प्रशासन द्वारा कहा जा रहा है कि आपकी ये रैली की अनुमति नहीं थी और वो इस पर कार्रवाई करने की भी बात कह रहे हैं, इस पर क्या कहना है? नहीं, अनुमति के कागज सब मेरे पास है, सब सूचना दे। भिंड से धर्मेंद्र ओझा की। माझी मुंबई माझं घर किंग्स माय होम सॅन सोनापट्टी इथे सुरू आहे। सर्वसामान्यांच्या खिशाला परवडणारी घरे आजच बुक करा, आज नाही तर कधीच नाही। 41 लाखांपासून 64 लाखांपर्यंत सर्व करा सहित। CEN News, देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN News को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर।